जब रणबीर कपूर के पापा चिंटू जी ने जताई थी चिंता अपने नाम से जाने जाएंगे या बेटे के नाम से। रणबीर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म बचना ए हसीनों में नजर आए। इस फिल्म के जरिए रणबीर को कई फीमेल फैन फॉलोइंग मिली। इसके बाद रणबीर वेकअप सिड, अजब प्रेम की गजब कहानी, राजनीति जाना जानी, रॉक स्टार, बर्फी, ये जवानी है दीवानी, तमाशा, ए दिल है मुश्किल में नजर आए। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे रणबीर कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया से की थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेशक कुछ खास कमाल नहीं दिखाया, लेकिन इस फिल्म में रणबीर को काफी सराहा गया। दर्शकों ने रणबीर को नोटिस किया। इसके बाद रणबीर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म बचना ए हसीनों में नजर आए। इस फिल्म के जरिए रणबीर को कई फीमेल फैन फॉलोइंग मिली। इसके बाद रणबीर वेकअप सिड, अजब प्रेम की गजब कहानी, राजनीति जाना जानी, रॉक स्टार, बर्फी, ये जवानी है दीवानी, तमाशा, ए दिल है मुश्किल में नजर आए। इसके चलते रणबीर लगातार एक के बाद एक सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते रहे। जहां पहले शुरुआत में रणबीर को ऋषि कपूर के बेटे कहा जाता था, अब लोग रणबीर को उनके नाम से जानने लगे। इतना ही नहीं, ऋषि कपूर और नीतू कपूर को भी कई बार रणबीर के माता पिता के नाम से जाना जाता है। अक्सर रणबीर के कई फैंस ऋषि नीतू को रणबीर के माता पिता कहकर संबोधित करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान ऋषि कपूर कहते हैं कि ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी जो खुद की आइडेंटिटी है, लोग ने उससे पहचानेंगे या हमें जानेंगे कि रणबीर के माँ बाप काम कर रहे हैं। ईटीसी को दिए एक इंटरव्यू में ऋषि कहते हैं, इस पर नीतू ने कहा, आज की जनरेशन तो यही कहेगी कि रणबीर कपूर के माँ बाप काम कर रहे हैं। हमारी भी तो एक जनरेशन होगी जो हमें शायद पहचानती होगी। हमारी एक पहचान है, एक छाप है, हमने भी जिंदगी में कुछ दिल जीते होंगे। रणबीर की मम्मी कहती हैं, जब लड़कियां या उनकी मम्मियां आती हैं और कहती हैं रणबीर की मम्मी, तो अच्छा लगता है। तो उनकी मम्मियां कहती हैं कि बेटा, ये रणबीर कपूर की मॉम है और हम इनके फैन हैं। ऋषि कपूर बताते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब कोई नई जनरेशन का बच्चा आता है और कहता है कि हमारे पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन ये सुनना कि रणबीर के माता पिता हैं, ये बहुत अच्छा लगता है।